Hey family. आज हमारे डिब्रूगढ़ में थर्ड डे है और अभी हम ब्लोसम जा रहे हैं। हाँ, ब्लोसम एक्सोटिका यहाँ पे नर्सरी है, एक बहुत अच्छा जगह है, सुना है हमने। तो आज हम लोग जा रहे हैं वहीं, तो हम वहाँ मिलते हैं। वहाँ का व्यू काफी ब्यूटीफुल है, हमने ये सुना है, बहुत ही अच्छा है बोला। तो हम जाएंगे वहाँ, फोटो क्लिक करेंगे। ये रेडी मम्मी दी। तो हम ब्लोसम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एंटर गेट का डिजाइन आप देख ही सकते हो, वॉल पे पूरा पेंटिंग किया हुआ है। तो अभी हम जाएंगे अंदर। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हो, इतना प्यारा सा लुक है यहाँ का, पूरा ट्रीज छोटे छोटे, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अब हम यहाँ पे जाएंगे टिकट काउंटर। यहाँ पे हमारा टिकट कितना लगा गाइज वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ का पोस्टर लगा हुआ है जो साइड पे, वो आप देख ही रहे हो। हम चलते हैं अंदर, हम फोटोज क्लिक करेंगे बहुत सारा और रील्स बनाएंगे, सो बने रहो। यहाँ का लुक बहुत ही प्यारा था गाइज, मेरे को तो बहुत ही मजा आ गया मतलब देख के। एक छोटा सा प्यारा सा फंडेन है जो कि आप देख ही रहे हो, स्टार लाइट लगा हुआ है उस पे। और यहाँ पे अंदर एक छोटा मोटा सा रेस्टोरेंट टाइप है, मतलब होटल टाइप है, जिसका रेट काफी हाई है गाइस। मैंने चेक किया था, मेन्यू चेक किया था, उसमें हाई है बहुत रेट। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ का फूड वैसे तो बहुत ही अच्छा है। व्यूज़ गाइस बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा, मतलब फ़ोटो शूट करने के लिए या फिर आपको वीडियो बनाने के लिए कोई अच्छा सा स्पेस चाहिए तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन है यहाँ का। आगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ देखेंगे जिसका मैंने फ़ोटोज़ इंस्टा पे ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है अपना, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हो, दीदी के अकाउंट में भी है। आप लोग वहाँ जाके ज़रूर से वहाँ पर फ़ोटो देखना। आप फिलहाल तो आप ये वीडियो कंटिन्यू करो। पे आप बुकिंग भी करवा सकते हो वैसे तो, पार्टी वार्टी टाइप्स। और यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी है, मतलब एक दो वैसे नहीं तो। और यहाँ पे ट्री हाउस है जो कि काफ़ी प्यारा है, लाइट से डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से एक छोटा सा होटल टाइप है जिसका आसम लुक से डेकोरेशन किया गया है। और यहाँ पे सारे ट्रीज में लाइट्स लगा हुआ है गाइस जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। और जो गाइज यहाँ का डेकोरेशन है ना, रात को फोटोज़ तो काफ़ी बेस्ट आया, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, काफ़ी बेस्ट आया। यहाँ का बैकग्राउंड डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा फ़ोटोज़ आया, बहुत ही मस्ती किया हमने तो, बहुत ही मज़ा आया फोटोज़ वोटोज़ क्लिक करके हमें। और आप यहाँ पे भी खा सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा चेयर्स लगा हुआ है, आप उधर फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, बोटिंग भी कर सकते हो आई थिंक से उधर डेकोरेशन के लिए। आप अगर बोलो बुकिंग करवाओ तो बोटिंग वोटिंग के लिए पूछ सकते हो, बट शाम को गए हम तो हमने नहीं पूछा। यहाँ पे है मम्मी जो कि यहाँ का व्यू देख रही है और हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे। यहाँ पे हमने फोटोज क्लिक किया बहुत सारा, बहुत मज़ा आया। ये रहा गाइस, यहाँ पे फोटोज काफी ब्यूटीफुल आता है। झूला भी है जो कि आप देखे वहाँ पे साइड पे, जिसमें एक बेबी और उसके पापा बैठे हुए थे। आप झूल सकते हो बट डर लगता है थोड़ा, आप फिर भी ट्राई करना गाइज। और यहाँ पे मैं उठी जहाँ पे मैंने बहुत सारे रील्स बनाए, फोटोज क्लिक किया, बटरफ्लाई बहुत ही प्यारा था, मेरे को बहुत ही मज़ा आया। फिर मम्मी ने क्लिक किया, सब ने एक एक करके फोटोज क्लिक किया, यहाँ पे वीडियोस बनाया काफ़ी सारा। और ये रहे हम तीनों, और फिर हम जा रहे हैं आगे वहाँ का और व्यूज़ देखने के लिए गाइज। ये जगह शायद यहाँ पे न्यू बन रहा था,
यहाँ पे मतलब लाइटिंग उतना नहीं था, हो सकता है कि लाइटिंग लगवाएंगे अभी आगे चल के, क्योंकि हम जब गए थे तो मेरे को लगा देख कर कि कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, और इधर कोई दिख भी नहीं रहे थे, तो हम लोग तो आके वीडियो बना लिए, वीडियो बना के चले गए, यहाँ से मस्ती कर लिया हमने, और रात का लुक तो गाइस मज़ा आ गया। और यहाँ पे था एक प्यारा सा बैम्बू ब्रिज जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा हिल भी रहा था गाइस। और ये रही मम्मी, और अब हम जा रहे हैं ऊपर फोटोज क्लिक करने, वीडियोस बनाने फिर से। तो ये देखो गाइस कैसा लग रहा है, काफ़ी प्यारा है यहाँ का, तो मेरे को बहुत मज़ा आ गया। इधर आप उठ के फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं इस जगह के बारे में, जो कि यहाँ पे सिर्फ दो आदमी एक बार में जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हिलता है और बैम्बू का है सो थोड़ा डेंजर हो सकता है ना गाइस। इसलिए मेरे को तो बहुत मज़ा आया, दीदी बोल रही थी इतना दौड़ क्यों रही है तू, डरने लगता तुझे, मेरे को तो बहुत बोला दीदी ने, बट भी मैंने मस्ती किया यहाँ पे। और फिर ये काफ़ी हिल रहा था, तो मैं दीदी को लेकर आई हाथ पकड़ के उसका, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हिल रहा था, बैम्बू का था एक्चुअली, मैं तो थोड़ा डर लगता है, बट बहुत मस्ती किया हमने। फिर फोटोज़ क्लिक किए यहाँ पे, फोटोज़ फिर रील्स, और ये रही दीपशिका दीदी जो कि वापस आ रही है, फिर मैं यहाँ से पार हो जाती हूँ, तब दीदी आती है फिर रील्स बनाने के लिए, जो कि उसको रील्स चाहिए था, मैंने तो मेरा बना लिया, फिर दीदी को रील चाहिए था, और फिर हमें यूट्यूब का भी शूट करना था, तो हम लोग आ गए फिर से गाइस। और कैसा लग रहा है? और ये रही मम्मी, मम्मी को भी काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि ये काफ़ी हिल रहा था, सो फिर दीदी मम्मी को वहाँ तक लेकर गई, और मैं इधर वीडियो शूट कर रही थी। और फिर हम यहाँ पे गए पास में ही फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, काफ़ी प्यारा प्यारा जगह था यहाँ पे, हम इधर फिर गए यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक किया। और यहाँ पे दी मुझे बोल रही थी कि यहाँ पे आगे जाके तू वीडियो दिखा दे, क्योंकि हम सब जाएंगे, इससे अच्छा तो तू जाके ही दिखा दे। इधर नर्सरी लुक दिया हुआ है पूरा का पूरा गाइस। और गाइस यहाँ का लुक तो आपको भी काफ़ी पसंद आया होगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप दिन में आते हो तो वीडियो बनाने के लिए जगह परफेक्ट है, क्योंकि इतना सारा ग्रीनरी मतलब ग्रीन स्पेस में बहुत ही अच्छा वीडियो बनेगा आपका भी। और फिर हम यहाँ पे आए, काफ़ी झूला झूला, हमने भी वीडियोस भी बनाए बहुत सारे। चलिए हम आपको दिखाते हैं झूला सामने से, जबकि मम्मी और अंकिता दी बैठे हुए थे वहाँ पे ऑलरेडी, फिर हम लोगों ने दीदी ने झूला को टर्न किया और फिर मैंने वीडियो में दिखा दिया। हेरे यहाँ पर वीडियो का बैकग्राउंड के लिए एकदम परफेक्ट जगह है ये, जहाँ की जहाँ तक कि मैंने यहाँ का डेकोरेशन देखा वीडियो को लेकर के, बहुत ही मज़ा आया मुझे तो। फिर ये रही मैं और दीपशिका दीदी, तो अब हम फिर से जा रहे हैं फोटोज़ क्लिक कराने के लिए आगे, तो आप बने रहो।
हम जिधर जा रहे थे उधर बस एक दो लाइट था, मतलब ज़्यादा लाइट्स नहीं थे उधर, तो हमें लगा कि फ़ोटोज़ अच्छा नहीं आएगा, बट फ़ोटोज़ तो काफ़ी अच्छा आया, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं था, फ़ोटोज़ तो काफ़ी अच्छा आया रात को भी यहाँ पे। और आप देख ही रहे हो लाइट से पूरा डेकोरेशन हर जगह है, और यहाँ पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए तो एकदम परफेक्ट है। स्ट्रिप लाइट्स लगा दिया गया है इधर सारी जगह पे, मुझे लगा था फ़ोटोज़ अच्छा नहीं आएगा, बट काफ़ी बेटर था यहाँ का व्यू। फ़ोटोज़ तो मैंने काफ़ी सारे क्लिक किए, मज़ा आ गया मेरे को, सबने बहुत सारे क्लिक किया, बहुत ही अच्छा लगा। आप इधर बुकिंग सिस्टम भी करवा सकते हो आई थिंक से, हमने तो मतलब पूछा नहीं, बट आप कर सकते हो वैसे। अगर आप जाओ तो हमें ज़रूर कमेंट करना कि आपको कैसा लगा ये जगह, अगर आप विज़िट करते हो यहाँ पे तो। और यहाँ पे है मम्मी जो कि हाई कर रही है, और यहाँ पे मैं आप सबको सारा व्यू दिखा रही हूँ इधर आसपास का, और ये रहे हम तीनों जो कि फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बैठे थे। मम्मी वीडियो बना रही थी, फिर फ़ोटोज़ क्लिक करते क्लिक करके हम यहाँ पर, हम कुछ वीडियो में ही बता रहे थे बट मैं भूल गई क्या बता रहे थे, और इसलिए मैंने फिर साउंड म्यूट कर दिया उधर। यहाँ पर हर जगह नेचर को ध्यान में रख के किया गया है, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इधर आके यहाँ पे विज़िट करना, मतलब बहुत ही अच्छा लगा हर जगह, मतलब बहुत ही प्यारा था, ट्री से ही रिलेटेड हर चीज़ था यहाँ पे, पूरा चीज़ आपने देखा, जहाँ तक कि हर चीज़ दिखाया मैंने आप लोगों को, ज़्यादातर बैम्बूज़ का था और ट्रीज़ बहुत सारे थे, बहुत सारे, बहुत मस्ती किया हमने। हमारा वीडियो बन के हो चुका है, फ़ोटोज़ क्लिक कर लिया हमने काफ़ी सारा, तो अब हम वापस जा रहे हैं। मुझे लग रहा था कि अब हम वापस जा रहे हैं, आप सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट नहीं हुआ गाइज, वहाँ पे फिर से फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए मेरे को जगह मिल गई जहाँ पे मैं रील्स बनाने लग गई, और इसका रील्स भी आपको इंस्टा पे देखा होगा आप सबने, जहाँ तक कि मुझे पता है कि मैंने रील्स डाला था और आप सबने बहुत किसी ने लाइक किया था। और यहाँ पे मैं फिर आ गई वीडियोज़ और फोटोज़ क्लिक करने के लिए। यहाँ पे एक पास में झूला है गाइस, जहाँ पे मैं और दीदी थोड़ी देर के लिए उठे, तो दीदी बोली तू उतर, मेरे को थोड़ा मतलब मैं अकेले वीडियो बनाऊँगी। मैं उतर के बहुत ज़ोर से झुलाने लगी थी उनको, तो वो डर गई थी, मुझे बहुत डांटी बाद में वो जब उतरी। फिर हम यहाँ पे तीनों के तीनों उठ गए, और फिर मैं उतरने के बाद तो गाइस पता है मैं कितनी बदमाश हूँ कि मैंने इन दोनों को परेशान कर दिया। यहाँ पे मैं हो गई थी खड़ी, तो दीदी बोली तुझे डर नहीं लगता, मैंने बोला नहीं कुछ नहीं होता, मतलब मस्ती किया मैंने और बहुत ही मज़ा आया। फिर हम बाहर निकल रहे हैं, फाइनली हमारा हो चुका है, बहुत घूम लिया हमने, और यहाँ पर हो चुका है रात गाइस, तो अब हम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गया था हमारा आया हुआ, और हम यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने में, तो पता ही आपको रील्स बनाने में कितनी पागल हूँ। फिर मैं लास्ट टाइम में आई और यहाँ पे कोई नहीं था, तो मैं बैठ गई, मतलब कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने को मिल ही जा रहा था हर बार, तो मैं आके बैठ जा रही थी, और यहाँ पे दीदी लोग भी बैठ जा रहे थे आके, मतलब दीदी बोल रही है मेरा क्लिक कर, मैं बोल रही थी मेरा क्लिक कर, तो मम्मी को करना पड़ रहा था, मम्मी और अंकिता दीदी भी, मतलब इन लोगों को हमने एक्चुअली में बोलने से तो हमने अपना ज़्यादा ही फ़ोटोज़ क्लिक करवाया इन दोनों से, मतलब मम्मी और उनसे। तो फिर हम ब्लोजम से निकल कर गए होटल, और होटल में हमने बिरयानी ऑर्डर किया, जो हमारा बिरयानी आ चुका है और फिर हम खा रहे हैं। हमें काफ़ी भूख लग चुका था, हम सुबह से घूम रहे थे उधर ना, इसीलिए। सो गाइस आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बाय बाय।